हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर। और अगर आप कुछ इस तरीके के काम करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे किस तरीके के काम, तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल पर जो मैं आज बताऊंगा ये काम कर रखा है तो कैसे उसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपकी मेहनत बेकार ना हो। अगर आप YouTube पर नए हैं या फिर आप पुराने हैं और आपको नहीं पता है YouTube के पॉलिसी के बारे में, तो आप जान लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेहनत ना बेकार जाए। क्योंकि एक एक घंटे, दो दो घंटे लग जाते हैं वीडियो को एडिट करने में, बनाने में, और उसके बाद चैनल मोनेटाइज ही ना हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। पहले तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया, फिर 4000 घंटे कंप्लीट किया, और उसके बाद अब मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप कृपया करके ऐसा काम ना करना जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन से चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। एक पॉलिसी है यूट्यूब की जो कि आपको पता होगा, रीयूज्ड कंटेंट, इस पर आपको काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब रीयूज्ड कंटेंट के अंदर क्या क्या आता है ये मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले दूसरे की वीडियो अगर आप उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं बिना कुछ चेंज किए हुए, दूसरे की वीडियो उठाई और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। दूसरा काम कि अगर आप सोशल मीडिया की वीडियो यूज करते हैं अपने चैनल पर और वहां पर जैसे 2-4-10 वीडियो को उठा लिया और उसको मिक्स करके अपलोड कर दिया, पीछे बैकग्राउंड में गाना वाना लगा दिया, ऐसे चैनल मोनेटाइज यूट्यूब नहीं करता है। तीसरा आपको यहां पर डालना होगा डीजे मिक्सिंग का चैनल। अगर डीजे मिक्सिंग का चैनल आप बनाते हो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीजे पर सॉन्ग किसी दूसरे का होता है, सिर्फ आपका काम होता है मिक्सिंग करना, और यूट्यूब ऐसे चैनल को रीयूज्ड कंटेंट कहता है, मोनेटाइज नहीं करता है। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, टीवी सीरियल स्टेटस की वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो कि सोशल मीडिया से उठाई गई शॉर्ट की वीडियो को यूज करके अपलोड कर दिया हो, वो वीडियो आपका मोनेटाइज नहीं करेगा यूट्यूब। पांचवी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवी चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी वीडियो में आपका फेस ना हो, ना ही आपकी वॉइस हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपका ऑन कंटेंट होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, तभी आपका मोनेटाइज होगा चैनल, राइट। अब इतनी चीज़ें आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है, लेकिन अब आपने कर रखी अपने चैनल पर ये सारे काम, तो अब उस गलती को सुधारना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करें जिससे चैनल आपका मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपडेट योर मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान से सुनिए। मेटा डाटा होता है आपके चैनल पर आपकी वीडियो, आपका टैग, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका थंबनेल, राइट। तो अब मेटा डाटा को अपडेट करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे के वीडियो को अपने चैनल से डिलीट करना है आपको, पहला काम। दूसरा काम, अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर अपने वीडियो, अपने चैनल, अपने बारे में अच्छे से लिखना है। नंबर 3, आपको अपने चैनल की DP को चेंज करना है। नंबर 4, आपको अपने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लगाना है। डिस्क्लेमर लगाने के बाद सोशल मीडिया का हैंडल लगाना है, मतलब सोशल मीडिया का लिंक, जैसे कि आप मेरी वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे। और आपको वहाँ पर अपने वीडियो के बारे में लिखना है, टॉपिक कवर लिखना है, और उसके बाद आपको वीडियो अपलोड करनी है। चौथा काम आपको करना है टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया, टैग आपको बता दिया। टैग आपको अपने हर वीडियो में ज़्यादा लगानी है, 500 टैग लगा सकते हो, 500 वर्ड के टैग लगा सकते हो, 500 लेटर के टैग लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा से ज़्यादा जितना लगाओगे वही अच्छा होगा। और अपने अच्छे से लिखो, ठीक है। और आपको एक, जब आप अपने चैनल पर लास्ट वीडियो बना रहे हो, जैसे कि मोनेटाइजेशन में तुम्हें कल भेजना है अपने चैनल को, पहली बार भेजना है या फिर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है रीअप्लाई करना है, तो उसके पहले एक वीडियो आपको बनाना है अपने चैनल पर, इंट्रो वीडियो। इंट्रो वीडियो बनाते टाइम आप ध्यान रखें कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में वीडियो बनाएं, क्योंकि YouTube इंग्लिश में एक्सेप्ट करता है इंट्रो वीडियो। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में वीडियो बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि कैप्शन डाल दें हिंदी वाली वीडियो में, इंट्रो वीडियो बनाकर, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि YouTube से कोई मिस्टेक हुई है, अगर आपको लगता है ना कि YouTube से कोई मिस्टेक हुई है, YouTube को गलतफहमी हुई है मेरे चैनल को, उसने मोनेटाइज नहीं किया या डीमोनेटाइज कर दिया है, तो आप ट्विटर का सहारा ले सकते हैं। ट्विटर पर जाइए, @
टीम यूट्यूब लिखिए, वहां पर अपनी प्रॉब्लम लिखिए, स्क्रीनशॉट डालिए और उसके बाद ट्वीट कर दीजिए, और ट्वीट करते टाइम आप हमें भी वहां मतलब टैग कर सकते हैं टेक्निकल प्रभाकर को, जो कि प्रभाकर 14 के नाम से वहां पर आपको मैं मिल जाऊंगा। तो इतना काम आप कर लोगे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन जो पहले पोर्शन बताए हैं आपको कि जो काम आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको बता दूं कि अगर आपका स्लाइड शो का कोई मतलब वीडियो है, जैसे स्लाइड शो चल रहा है, पीछे आपकी वॉइस नहीं है, आपका फेस नहीं है, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपके चैनल पर अगर गेमिंग की वीडियो डाल रखी है और आपका उसमें ना आवाज़ है ना ही आपका फेस है, आपने गेम खेलकर आप रिकॉर्ड करके स्क्रीन अपलोड कर दिया है, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है आपको अपने चैनल पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और आगे से ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करता हूँ। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।